नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज मीडिया से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने मीडिया से क्या कहा। नमस्कार। कल शाम को राजस्थान में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि राजस्थान का सत्र सेशन सोमवार को बुलाना जाए। तो एक चिट्ठी लिखी गई सरकार की ओर से राज्यपाल को कि आप सत्र की नोटिफिकेशन निकालिए और सोमवार को सत्र की शुरुआत कीजिए। कोई इस पे निर्णय नहीं हुआ। हमारे विधायक वहां राजभवन में बैठे हुए हैं और गवर्नर साहब से कोई ऐसा फैसला अब तक नहीं आया। बड़े अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि गवर्नर इस बात में देरी नहीं कर सकता जब जब भी सत्र की मांग हो। ये गवर्नर साहब का कर्तव्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल चुकी है। आज लोकतंत्र की परिभाषा में राज्यपाल सरकारों की सलाह नहीं लेंगे, कहीं और से सलाह लेंगे। और इस देश में जो चुनी गई सरकारें हैं उसमें राज्यपाल गिराने में मदद भी करेंगे। और जिस दल को बहुमत है उसके कुछ लोग एक प्राइवेट चार्टर प्लेन में बाहर ले जाएंगे, वहां उसको होटल में ठहराएंगे और वहां लेन देन की बात होगी और सरकारें गिराएंगे। मतलब कि जो लोकतंत्र की जो नई परिभाषा है उसमें चुनी हुई सरकारें गिराना, उसमें लोगों को लोभ देना, चाहे वो पैसे का लोभ हो या कोई और लोभ हो, और इसी तरीके से उस बहुमत को अल्पसंख्यक में बना देना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना देना और सरकार गिरा के अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला देना। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, यही हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल लागू था लेकिन फिर भी गवर्नर ने सुबह सुबह 4-5 बजे उठकर किसी को शपथ दिला दी। उसका नतीजा आप जानते हो क्या हुआ। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में उन्हीं कुछ डिसिडेंट लोगों को ले जाया गया, कर्नाटका ले जाया गया, वहां होटल में ठहराया गया। और आपको मालूम है कि उस समय कोरोना का दौर भी था, ये मार्च की बात है। और जब सत्र चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सत्र की बैठक 26 मार्च को होनी चाहिए, उसका भी विरोध हुआ और फिर 17 मार्च को कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ा। उत्तराखंड में क्या हुआ कि ऐसे ही डिसिडेंट लोगों को एक हवाई जहाज में, चार्टर्ड हवाई जहाज में बाहर ले जाया गया। गोवा में जब सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की थी फिर भी गवर्नर साहब ने किसी और पार्टी को शपथ दिला दिया। मणिपुर में जब हम कांग्रेस पार्टी की ज्यादा संख्या थी गवर्नर ने किसी और को शपथ दिला दी। तो कहने का मतलब है कि ये लोकतंत्र की अब नई परिभाषा है, वो नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में बिना बहस के बिल पास नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहा। सरकारें जो फैसला करेंगी कानून के अंतर्गत करेंगी, वो नहीं हो रहा। अदालतें फैसला करेंगी, जो अदालतों ने पहले फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले किए हैं, उनके विरोध नहीं जा रही, वो नहीं जाएंगी, वो नहीं हो रहा।
संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, और जहां कोई विरोध करता है उसके पीछे एजेंसीज लगाई जा रही है ताकि कोई विरोध ना करे। तो अगर इस स्थिति में अगर लोकतंत्र की रही यही परिभाषा है कि जो सरकार करे कहे सबको मान लेना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, अगर यही लोकतंत्र की भाषा है तो फिर काहे संस्थाएं काम कर रही हैं? क्या जरूरत है संस्थाओं को काम करने का? तो जो प्रधानमंत्री जी कहें, जो ये सरकार करे उसको मान लेना चाहिए। अब हो क्या रहा है, वकीलों को बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ फेरा के केस लगाए जा रहे हैं। इस नई परिभाषा जो लोकतंत्र की बन चुकी है, उस परिभाषा में अंतर्गत, उस परिभाषा के अंतर्गत वकीलों का क्या रोल है, यह भी हमें सोचना चाहिए, और विपक्ष के नेताओं का क्या रोल है यह भी सोचना, इसका भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अहिंसा को अपनाकर, जब तक हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जब तक जनता को यह नहीं बताएंगे कि इस देश में हो क्या रहा है, तब तक वो लोकतंत्र की लड़ाई कभी लड़ नहीं पाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है, हाई कोर्ट्स भी उसको किनारे रख देती है। अभी क्योटो होलोन का फैसला है, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि जब तक स्पीकर साहब किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला नहीं करते, तब तक कोई भी कोर्ट उसमें दखलअंदाजी नहीं ले सकती, कोई भी कोर्ट इस पे ऑर्डर नहीं कर सकती। क्यों नहीं ऑर्डर कर सकती? कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जब तक स्पीकर साहब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला नहीं करते, those proceedings are proceedings within the house, मतलब कि वो कार्रवाई वो असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, वो असेंबली के बाहर की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। और क्योंकि असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, इसका मतलब यह है कि कोई इसमें कोर्ट दखलअंदाज नहीं कर सकता। ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हाई कोर्ट में बैठकर किसी जज को यह कह देना कि स्पीकर साहब आप कार्रवाई नहीं करोगे, तो ये लोकतंत्र की एक नई परिभाषा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहे, जितने भी जज कहें, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम खुद अपने फैसले करेंगे, प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं। तो फिर हम वकील वहां काय को बहस करें? अभी अगर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फैसला नहीं मानना तो काय को वकील बहस करें? और मुझे खेद से कहना पड़ता है कि वकील लोग भी आजकल निराश हो चुके हैं, और कहीं ऐसा वो दिन तो नहीं आ जाए कि वकील लोगों को अपनी रोब उतारनी पड़े और कहना पड़े कि क्या फायदा, जो कानून के रक्षक हैं अगर वो अपनी ही जजमेंट का पालन नहीं करेंगे तो हमें वकालत करने का क्या फायदा है? छोड़ दें वकालत, कुछ और काम करें। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि पार्लियामेंट संविधान के मुताबिक जो उसकी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक चलेगी, पार्लियामेंट्री रूल्स के मुताबिक चलेगी। वो नहीं हो रहा,